जी हाँ, नमस्कार दोस्तों। दोस्तों आपका स्वागत है हमारे चैनल पर पधारने के लिए। दोस्तों यहाँ पर मैं सरल के माध्यम से आपको बता देता हूँ कि जो BPL अनटाइटलमेंट का आपको ऑप्शन दिखाई देता है, कभी कभी यह चल जाता है दोस्तों, तो कभी कभी यह चला जाता है। दोस्तों पीछे मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, उसमें मैंने आपको बताया कि BPL कार्ड अब सरल से स्टार्ट हो चुके हैं। उसका लिंक आपको ऊपर नज़र आ रहा है और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि APL जिन जिन भी भाइयों का बहनों का यहां पर APL का राशन कार्ड है, अब उनका BPL राशन कार्ड बनेगा। गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा का कहना है कि या तो आपको यहां पर सरल के माध्यम से BPL कार्ड को अप्लाई करने का ऑप्शंस मिलेगा, या फिर आपको फैमिली आईडी के पोर्टल पर BPL का ऑप्शन दिखाई देने वाला है दोस्तों। तो दोस्तों आपका यहां पर BPL किस प्रकार बनेगा, यदि आपका सरल के माध्यम से बनेगा तो हम वह वीडियो आपके लिए लेकर आए हैं दोस्तों। वीडियो शुरू करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट, आप अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन प्रेस कर लेना। तो चलिए फिर दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर दोस्तों अगर हम सरल की बात करें तो यहाँ पर आप सरल की लॉगिन आईडी, क्योस्क आईडी जो होती है, उसके माध्यम से हम यहाँ पर लेबर कॉपी और BPL कार्ड को अप्लाई कर सकेंगे। अगर आपके पास कुछ इस प्रकार का एरर आता है तो दोस्तों आप उसे स्किप कर सकते हैं। आप अपनी लॉगिन आईडी में यहाँ पर सबसे पहले लॉगिन होंगे, अप्लाई फॉर सर्विस पर क्लिक करेंगे, व्यू ऑल अवेलेबल सर्विस पर आपने दोबारा से टच करना है दोस्तों। टच करने के बाद यहाँ पर कुछ देर अगर प्रोसेसिंग लेता है दोस्तों तो आप इतना वीडियो को लाइक कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों, आपने सर्च बोर जो आपको दिखाई दे रहा है, BPL लिख सकते हैं सिंपल ही। आप यहाँ पर BPL एंटाइटलमेंट एंड नेशनल फैमिली BPL बेनिफिट स्कीम, यहाँ पर दो स्कीम्स अवेलेबल हैं। फर्स्ट जो आपको दिखाई दे रहा है BPL एंटाइटलमेंट, इस पर अगर आप क्लिक करते हैं तो दोस्तों आपको कुछ इस प्रकार से एप्लीकेशन फॉर BPL एंटाइटलमेंट, कभी कभी यह चल जाती है लेकिन कुछ देर पहले यह नहीं चल रही थी। यहाँ पर मैं आपको क्लियर करता हूँ दोस्तों कि अगर आप APL आपका राशन कार्ड है BPL के लिए अप्लाई करते हैं तो दोस्तों यहाँ पर BPL राशन कार्ड डायरेक्ट नहीं बनता है। आप यहाँ पर ये जो फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, यह दोस्तों आपका सर्वे का फॉर्म होता है। BPL कभी भी BPL डायरेक्ट नहीं बनता है। सर्वे के लिए अप्लाई किया जाता है, अप्लाई करने के पश्चात जो भी इसमें से आप प्रिंट आउट निकलेगा उसके साथ बहुत सारे डॉक्यूमेंट संलग्न करने होते हैं, उसकी वीडियो मैं प्रॉपर एक बनाऊंगा दोस्तों। कभी भी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन ज़रूर मिलेगा दोस्तों, क्योंकि मुझे यहाँ पर आपके डाउट बिल्कुल क्लियर करने हैं। तो दोस्तों BPL का डायरेक्ट फॉर्म नहीं भरा जाता है, सर्वे के लिए फॉर्म अप्लाई किया जाता है, साथ जितने भी डॉक्यूमेंट होते हैं संलग्न करने के साथ जो प्रिंट आउट निकलता है उसको आप विभाग में जमा करवा के आते हैं, विभाग उसकी वेरिफिकेशन करता है। वेरिफिकेशन करने के लिए आपके घर पर या फिर पटवारी या फिर कोई अन्य सेक्रेटरी, तो उसके द्वारा आपके घर पर कुछ जो मेंबर्स हैं वो आते हैं, आपके यहाँ पर मकान वगैरह जो भी है देख के जाते हैं, तो आपका सर्वे किया जाता है और सर्वे के पश्चात यदि आप एलिजिबल होते हैं तो आपको BPL यहाँ पर बना दिया जाता है। तो ये पूरा प्रोसीजर है दोस्तों, इसकी एक कंप्लीट वीडियो मैं वन बाई वन आपके लिए ज़रूर बनाऊँगा। तो आज की वीडियो में मैं आपको यही बताने जा रहा था कि यदि इस पर अप्लाई हो भी जाता है तो दोस्तों आपको ये सब काम करने पड़ेंगे, तभी आपका APL से BPL में बदलेगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एक नई अपडेट नई वीडियो के साथ। BPL से रिलेटेड बहुत सारी वीडियो हैं, आप ऊपर देख सकते हैं दोस्तों।